हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो आज काफ़ी दिन बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। क्यों, क्या वजह थी? बस थोड़ा मसला था, इशू था, जिस वजह से मैं व्लॉगिंग मतलब बंद कर दी थी, नहीं बना पाई। तो क्या मसला था, आगे आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करेंगी मतलब करूँगी। तो चलें, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट से कर लें, तो बहुत जल्द आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाली हैं और बहुत अच्छे अच्छे आप व्लॉग्स बना करेंगे आगे। क्यों, क्या, किस वजह से मैंने ये व्लॉगिंग छोड़ी बीच में, वो भी आप लोगों के साथ मैं साथ मतलब शेयर करती रहूँगी। तो बस कुछ प्रॉब्लम थी, तो इंशाल्लाह अब उम्मीद करते हैं कि अब मैं डेली व्लॉगिंग करूँ। अच्छा, मैं जब भी ये कहती हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ तभी नेक्स्ट डे मुझसे व्लॉग नहीं बनता और ना मैं कोई व्लॉग अपलोड कर पाती हूँ। पर नहीं, अब इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे, जैसे भी बनी, जो भी, जितनी भी मतलब कि मुझसे वीडियोज़ वगैरह व्लॉग बन पाए मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन ज़रूर शेयर करेंगे। तो चले करते हैं अब जी, रूम को सेट वेट। आयजा की मालिश कर दी है, वो अपनी फूफा के पास है, मैं करती हूँ रूम को सेट। टाइम आप लोग देख लें, 12:30 हो गए हैं, तो करते हैं रूम को नीट क्लीन, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो वेलकम बैक टू माय न्यू विला। जी, रूम का हमने फ्रेश कर लिया था, उसके बाद हमने काफी सारे काम अपने कंप्लीट कर लिए थे, खाना वगैरह भी खा लिया था। आज राइस नहीं बने तो मैंने कटलेट्स वगैरह बना लिए थे, क्योंकि रात को राइस जब बनाई थी किसी ने खाए नहीं, सारे मतलब के वो आंटी लोग वो चले गए थे दूसरी घर, तो फिर खाना खाया ही नहीं किसी ने। चल वैसे ही बने थे तो फिर हमने साथ कटलेट्स बनाया, रायता बनाया, तो आज वही खाए। और ये हम आए हैं, कहाँ पे आए हैं, यस भाभी कह सकते हैं, हम सलवा लोगों के घर आए हैं। और ये मेरी बुबी आयजा, किधर आई हो? और हमारे साथ पता कौन कौन से नमूने आए, एक तो ये है नमूना नंबर वन, और ये छोटा नमूना आया है, और ये देखे इन्होंने भी स्पैरो रखी है, कितनी प्यारी लग रही है इनकी भी स्पैरो। अच्छा, वो अपने जैसा ही है ये भी, वो पिंजरा के दो जोड़े हैं? नहीं, लाड़ा लाड़ा है। अच्छा, छोटे दो है, जबरदस्त है जी। तो हम यहाँ पे आए हैं, सलवा अपने बाबा के साथ बैठ गई है और जो सफ़ा है वो सो रही है, ये इधर की दादू बैठी हैं वो भी साथ आई हैं। तो आयजा मैडम को मैं पहले वहाँ लेके बैठी थी, गर्मी लग रही थी इसलिए अब उसको यहाँ लाई हूँ। और हमने ये देखे जी पंखा जलवाया है, बातें करती है अब तो माशाल्लाह से। क्या कह रही हो, क्या कह रही हो, क्या? अच्छा जी, वाह, ओ नहीं छोड़ो, उसे खुद ही करने तो जो कह रही। देख रही कौन बोल रहा है, और ये सैफी बोल रहा है, सैफी बाबा बोल रहा है बाबा। हाँ जी, तो सफा आती है तो फिर हम आप लोगों को मिलवाते हैं, सॉरी सलवा से, सफा तो सॉरी है अंदर, सलवा आती है तो मिलवाते हैं। किधर है, तूने उस दिन भी तो पढ़ा ही था, मेरे व्लॉग में आया भी है। हाँ जी, ब्यूटी खेलना अभी, आप भी खेलोगे, इधर बैठो आयजा, वो देखना फिर जो गलत आएगा ना। अब क्यों यहाँ बैठे, अब इधर बैठो, ऐसे ऐसे खेलो, चलो ओके, झूठ नहीं बोलना सही। और जो चीज जिसने मतलब गलत उठा रही ना, अगर इसने कहा भैंस उड़ी और अगर किसी ने उठा दी फिर उसे नीचे रख के थप्पड़ मारना, ठीक है? फिर उसने, हाँ चलो ये बनाएंगे, ये ठीक है, बेस्ट है। चलो जहाँ से मर्जी शुरू कर लो, बस उसने कहना जो चीज उड़ती है तुमने कहना उड़ती है। हाँ, उड़ा, उड़ी, उड़िया, वेट नहीं रुको, सोच के नहीं कहना, फौरन उठाना, जल्दी जल्दी, अब हाँ, मैं नहीं, अगर नहीं कह रहा तो मैं कहती हूँ। चलो ठीक है, पहले हाँ मिलेगा, फिर आप कहना, फिर ये, फिर आस्ता आस्ता, ठीक है? और जिसने सोच सोच के ऐसा उठाया ना तो उसको फिर मारना, ठीक है?
अंदर कर ला चल सही है। ये देख रही है बिया ने एक भैंस उड़ा दी है, अब इसको पढ़नी शुरू। ये चोट लगी है। अच्छा हमें पकड़ना नहीं है और ऐसे ही मारो। नहीं सैफी की बारी है, उठ जाओ तुम, उठ जाओ सैफी, अब तुम मारो इसको। सामी साइड पे ये मार ले। चलो बैठो, मिस हो गई। हाँ जी भाई ने। अब देखना हामिद ने चार मारी और मिस हो गया। मेरी शुरू है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अच्छा जी ये फर्स्ट प्राइज को सलाम मिली थी। अब देखें किसको मिलती है। अब सैफी बोलते हैं और हम उड़ाते हैं। चलो लाल हो गया, दिखाओ। और कैमरा एक जैसे ही दिखा रहा है हाथ पर, ये हाथ इसका रेड हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब तुम गुस्सा निकालना दूसरे पे। चलो नहीं उड़ी, दोनों ने उड़ाई, दोनों ने उड़ा दी। होली वो बच्ची सोई अंदर। हाँ? अब तुम हामिद पे, इसको लग गई है ना, अब तुम्हारी बारी है। दोनों में से अब एक ही मिलेगी। वाओ अब सैफी और हामिद का मुकाबला जा रहा है। मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। टच हो के गई है। इन पाला ने, इन पाला ने जल्दी जल्दी। चलो अब आपकी बारी। अब मेरी बाइक का चेक कीजिएगा मैं कितने मार दी हूँ। थोड़ा हाथ नीचे कर लो। 10 चाहिए और एक एक मंच होगी ना सेकंड लास्ट। जोर से चिड़ी उड़ी उड़िया, आओ जल्दी। चिड़ी उड़ी उड़िया, उड़ा उड़िया, तोता उड़ा उड़िया, कबूतर उड़ा उड़िया, भैंस उड़ी। डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक। चलो ये आते ही चला गया, अब आपकी बारी है। ओह माय गॉड, आते ही कह रहे फिर। चलो अब मैं ऐसे ही मारूंगी। वन, अब मेरी बारी है। 1 2 1 हमें पहले हले लाल हाथ होता था, फिर तू खान आ गया मार। चल कर यार, यार मैं खुद ही ना कह रही, चल बच्चा है माफ कर देती हूँ, पर मैं फिर भी मारूंगी तुम्हें। मैं चांस देती हूँ कि तुम मिस कर दो, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँ, मैं इसे चांस दे रही हूँ कि ये मिस कर दे, ये फिर भी नहीं कर ले। ये देखो ये भी बैठी है, लग गया हैंड को टच हुआ है। इधर होना चाहिए ना, जरूरी नहीं है तुम्हारे हैंड को टच हुआ है। दस हो नहीं गया, कोई दस दस नहीं है, जब मिस हो गया हो गया। आगे कर हैंड, पीछे लेके जा रहे हो। नहीं लगी, नहीं लगी,
रुक जाओ। माँ पे ऐसे बच्चे को चलो। अब हमने गेम जो के चेंज कर दिया है, कौन सी गेम खेल रहे हैं अभी हम आपको दिखाते हैं बताते हैं। अच्छा अब हम खेलने लगे हैं यसु पंजू। तो ये है ओए क्या हो डोली है, यसु है कबूतर है और मैं हार हूँ। तो चलो इसमें ये होगा कि जो चलो ठीक हो गया, वैसे मुझे नहीं पता था कंफर्म कर रही थी। ओ अच्छा हाँ पंजू कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। चलो जो लास्ट पे रहेगा ना उसका फेंटा लग रहा है, फेंटा गाइस फेंटा। चलो 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 सैफी गया सफियान यार की करने है। अल्लाह अकबर मैं आ गई। इसमें क्या सजा होती है? चलो ठीक है अभी हाथ भी पीछे करना, इधर ना हाथ यूज नहीं करना, हाथ जी ना मर्जी ना ना हाथ थे उधर ही कैसे को तुम्हें ज्यादा जोर से बजेगी पानी ये जल्दी कर जल्दी जल्दी मैं नहीं पीछे कर रही तो नौ दस बारह टच हो गई अभी उसकी टच होनी निके हाथ का। हम लोग खेले हैं बहुत मजा है, बहुत एंजॉय किया। अब ये मैडम को लग गई है भूख से, पिलाते हैं पानी वगैरह। तो ऊपर गर्मी है ना, मैं इसीलिए पंखे नहीं, मेरी बहुत गर्मी लग गई है। और ये देखें आप लोग देखें, मार मार के भी मेरे हाथ लाल हो गए, और ये देखें खा खा के भी मेरे हाथ लाल हो गए। इसको अच्छा इसको दो बार पड़ी है तुम्हें, तीन बार पड़ी है इसे तीन बार पड़ी है, मुझे एक दो बार पड़ी क्योंकि एक पहले वाली गेम में पड़ी है और सॉरी सॉरी मुझे तो एक बार ही पड़ी है वो भी ये दूसरी गेम में, और इस मैडम को दो बार पड़ी है और सफियान को एक बार भी नहीं पड़ी। बच गया ये बच गया, वरना इसके पैसे तो गुस्सा निकालना था हमने सही। और मेरी बेटी को प्यास लगी और ये देखे पानी दे के कैसे उछल रही है, चलो इसे पानी पिलाते हैं। अभी मैं छत पे आ जाएगा आप ही मेरा आप ही ब्लॉग शूट कर लो, मैं भी शूट करने ये पहाड़ी ऊपर आए हैं, सनसेट हो रहा है बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है कह सकते हैं। तो अभी मैं आपको ना सनसेट के थोड़े से व्यूज दिखाता हूँ। कहाँ थी, कहाँ से आई हो पहले मुझे बताओ। हाँ कब से आपका वेट कर रही थी। देखिए आयजा को सुला दिया है हमने, आयजा सो गई है झूले में, सोती है ये पाँव पकड़ झूले में सोती है, ये सो रही है। कब से आपका वेट कर रही थी सबका बताओ मुझे, आप कहाँ गई थी? अकेले अकेले आइसक्रीम खाने गई थी, आप तो कह रही थी मैं आपके लिए लेके आऊंगी आइसक्रीम। नहीं आप मेरे लिए, मैं आपके लिए नहीं आप मेरे लिए लो ये क्या, आप झूठा वादा किया आपने मेरे से, आप कह रही हैं
ये आ गई है मैडम भाई से, क्या हुआ? तुम्हें पहले ही कहा था, कब से ही आपका वेट कर रहा था। तो मैंने सबसे कहा था आती है सलवा तो हम आपको मिलवाते हैं। सलवा से आ गए हम, हैं सलवा के घर से आ गई थी। चलो चले आए शॉपर अच्छी वो बर्तन आज वो ओ बाबा टेंड हमारी टेंड वो देखे टेंड जा रही है आनी आई थी। और ये हुसैन गंजा भी आया था गंजा पापी। अच्छा जी वहां से हम आगे थे, अब आगे वो बैल हो गए थे, मामू मामी आए थे, अब बुला जा रहे हैं जी वापिस। तो जी तो आयजा को हमने सुला दिया, आयजा सो चुकी है। और यहाँ पे ये देखे जी निका पाना, निका पाना के बड़ा पाना जी। तो ये गाड़ी टायर वगैरह चेंज कर रहे थे, टायर मतलब सही कर रहे थे। तो ये देखे जी ये आया मामा की तरफ से हलीम, तो बहुत मजे का लग रहा है। तो मुझको भेजा है कि भाई वो लेके आए मेरी रोटियाँ, तो खाते हैं खाना। तो टाइम आप लोगों को दिखाते जाए तो टाइम 10 बजने वाले हैं। आई बस हो गई है, वो उधर मतलब गए थे सलवारों की तरफ तो थक गई थी काफ़ी टाइम, देख लें आप 10 बजने वाले। तो मैडम ने बहुत तंग कर रही थी कि मुझे सुला दो 9 बजे, तो मैं उसे खिलाती रही कि ज़रा जाग ले। तो बाद में सारे पता है 9 बजे सुलाने के बाद फिर ये 10-11 बजे तक उठ जाती है अपनी नींद पूरी करके, तो फिर रात नहीं सोती ना सोने देती है, इसी वजह से फिर मैं इसे सुलाती हूँ। नहीं पता। तो ये है जी मेरे पास जेलीज, मुझे जेलीज बहुत पसंद है। और ये देखिए मेरे पास है जेलीज। तो चलें सबके साथ करते हैं हम एक गेम करते हैं, आइए मेरे साथ। हाँ जी तो आयशा को जी सुला दिया है, टाइम भी आपको दिखाते, भूख लग रही थी तो सोचा चले हम जेलीज खाते हैं जो सबको बांटी थी। तो ये देखें जी टाइम आप लोग देख लें 1 बज गया है। आयशा मैडम जो कि सो गई है इसलिए मैं ज़्यादा लाउडली नहीं बोल रही, ये ना होगा उठ के बैठ जाए। तो दिखाते हैं आपको, ये देखें मैडम कितने मज़े से सो रही है ये देखें। तो चलें खाते हैं और ये भी करते अपने ब्लॉग को एंड नहीं करते। आपको मेरे ये ब्लॉग पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।